में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से जीके की 25 क्वेश्चन जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं लेके आया हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस रैपिड सीरीज में क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं ये। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी। ये आपका RRV 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, कुषाण शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे। ये आपका RRV 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। ये आपका RRB 2005 JPSC 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। ये आपका RRB 2005 BPSC 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था। ये आपका RRB 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, खारवेल। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। ये आपका RRB 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, वस्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसका आंसर है बी, पैठन प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनगी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था। ये आपका SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सैन गुट्टवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। ये आपका SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। ये आपका RRB 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, तोलकाप्पियम। क्वेश्चन नंबर 12, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ये आपका आंसर है इसका सी, श्रीगुप्त। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की। इसका आंसर है बी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। ये आपका SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। ये आपका SSC 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 16, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। ये आपका SSC 2002, RRB 2003, UPPCS 1990, CGPSC 2005, BPSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर है डी, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने फूलों को भारत पर आक्रमण करने से रोका, जिसने हूणों को, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है,
जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका। आपका एसएससी 2002, सीजीपीएससी 2003, बीपीएससी 2010, यूपीपीएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका सी, स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। ये आपका एसएससी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, कला व स्थापत्य। क्वेश्चन नंबर 19, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। यह आपका एसएससी 2001 एनडी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कुछ विद्वानों के अनुसार कालिदास किसके राज्य कवि थे। ये आपका एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 21, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है। ये आपका एसएससी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 22, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह था। यह आपका एसएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, नालंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ईरान अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ये आपका आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, भानुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। ये आपका एनडीए 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, हर्ष डी, चंद्रगुप्त सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 25, फायान कहाँ का निवासी था। ये आपका आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर है आपका सी, चीन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन्यवाद।